हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में आपको आर्मेचर की बाइंडिंग की टेस्टिंग के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन आर्मेचर की जो बाइंडिंग है उसकी जो टेस्टिंग करके बताऊंगा। तो इस आर्मेचर की बाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको दो टेस्टिंग मेथड के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो सबसे फेमस मेथड है, जो सीरीज टेस्ट लैंप मेथड है, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो देखिए, मैं आर्मेचर की वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए 200 वाट का लैंप है जो सीरीज में वो कनेक्ट किया हुआ है, और ये दो वायर है जो रेड और ब्लैक, ये सीरीज टेस्ट लैंप की जो लीड्स है, जब इनको आपस में शॉर्ट करेंगे तो हमारा जो लैंप है जो ऑन हो जाएगा। और इस वीडियो में जो दूसरा मेथड है इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, मैं मैगर यूज़ करूँगा। ये जो मेरे पास मैगर है, ये 1000 वोल्ट DC इसकी जो आउटपुट है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 मेगाओम है। ये जो मैगर है इसकी रेड और ब्लैक ये टू नंबर ऑफ लीड्स है। तो इस जो मेथड से हम लोग जो है इसकी जो IR वैल्यू टेस्ट करते हैं। ये जो मैगर है इसकी जो साइड के ऊपर जो टॉगल स्विच लगा हुआ है, सबसे पहले इसी मेथड से मैं आपको टेस्टिंग करके बताऊँगा। तो ये जो टॉगल स्विच है इसकी साइड पर लगा हुआ है, इसको जो ऑन कर दिया, और अभी इस मैगर की दोनों लीड्स को आपस में शॉर्ट करूंगा। देखिए, शॉर्ट करते ही हमारे जो मैगर है इसके ऊपर जो कंटिन्यूटी आ गई है, जो 0 मेगाओम रेजिस्टेंस जो है शो कर रहा। अभी इस मैगर की हेल्प से हम लोग जो आर्मेचर टेस्ट करेंगे। देखिए, मैगर की एक लीड को मैंने जो आर्मेचर की कोर के ऊपर कनेक्ट किया, और दूसरी को कम्यूटेटर के ऊपर। देखिए, ये अभी जैसे ही कनेक्ट किया तो ये मैगर के ऊपर जो IR वैल्यू 0 मेगा ओम आ रही है, इसका मतलब ये जो आर्मेचर इसकी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट है। तो इस प्रकार मेकर से आप लोग जो टेस्ट कर सकते हैं। तो इस आर्मेचर को अभी जिसकी वाइंडिंग शॉर्ट है इसको साइड के ऊपर मैं रख देता हूं, और दूसरा आर्मेचर लेता हूं। ये देखिए, मेरे पास जो सेकंड आर्मेचर है इसको भी ऐसे ही टेस्ट करूँगा। एक वायर को जो आर्मेचर की कोर के ऊपर कनेक्ट करूँगा, और दूसरी को जो है कम्यूटेटर के ऊपर। देखिए, अभी मैं कनेक्ट किया तो ये जो है कंटिन्यूटी जो 0 मेगा ओम नहीं है इसमें, देखिए जी इसकी वाइंडिंग ठीक है, इसकी जो IR वैल्यू ऑलमोस्ट लगभग जो 200 मेगा ओम आ रही है। इसका मतलब ये जो आर्मेचर इसकी जो वाइंडिंग है ये ठीक है। तो इस प्रकार जो आप टेस्ट कर सकते हैं मैगर से इसकी जो IR वैल्यू। अभी जो तीसरा आर्मेचर है इसकी वैल्यू मैं आपको चेक करता हूँ। पहले आर्मेचर कि इस जो कोर के ऊपर एक कनेक्ट करूँगा, दूसरे को जो है कम्यूटेटर के ऊपर। देखिए, इसकी भी जो वाइंडिंग है जो ऑलमोस्ट शॉर्ट दिखा रहा है, जी मैगर के ऊपर जो 0 मेगाओम में इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है। तो अभी मैं इसी आर्मेचर को जो सीरीज टेस्ट लैंप से जो चेक करके बताता हूँ। देखिए, ये सीरीज की जो दो लीड है रेड और ब्लैक, इनको अभी मैं कनेक्ट करूँगा जो आर्मेचर के ऊपर। देखिए, पहले शॉर्ट किया दोनों लीड्स को तो लैंप जो ऑन हो रहा है। तो अभी देखिए, जे एक कम्यूटेटर के ऊपर, दूसरे को आर्मेचर की कोर के ऊपर जो लीड्स को कनेक्ट करूँगा। देखिए, अभी ऐसे रोटेट करके अभी चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूटी इसकी 1x1 जो बाइंडिंग की। देखिए, जैसे ही जहाँ से जो बाइंडिंग वीक है, जिसकी इंसुलेशन जो है डैमेज हुई है, उस पॉइंट के ऊपर जैसे ही हम लोग टच करते हैं कम्यूटेटर और आर्मेचर कोर के ऊपर, तो जो स्पार्क हुआ है, इस स्पार्क का मतलब ये जो हमारे पास जो आर्मेचर है इसकी जो कोर है उसकी जो इंटरनल वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप लोग जो है सीरीज टेस्ट लैंप मेथड और मेकर की हेल्प से जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग टेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।